हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम झारखंड स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। और इस सेशन में जो प्रश्न होंगे वो MCQs के फॉर्म में हैं और इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और देखते हैं प्रश्नों को। सेशन का पहला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय थल सेना में किस मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कर्नल, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट कर्नल, ऑप्शन सी मेजर अथवा ऑप्शन डी कैप्टन। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से, मानद उपाधि से झारखंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सम्मानित किया गया है। अतः सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपको बता दें कि यह जो मानद उपाधि थी लेफ्टिनेंट कर्नल का धोनी को दिया गया था, यह 2011 में दिया गया था और 2011 में ही इंग्लैंड के लेसेस्टर सायर्स के एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा महेंद्र सिंह धोनी को डॉक्टरेट के भी मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस तरह वर्ष 2011 में महेंद्र सिंह धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ साथ डॉक्टरेट के भी मानद उपाधि प्रदान की गई थी। आइए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? ऑप्शन ए जयपाल सिंह खेल पुरस्कार, ऑप्शन बी अल्बर्ट एक्का खेल पुरस्कार, ऑप्शन सी अब्दुल हमीद खेल पुरस्कार अथवा ऑप्शन डी बिरसा मुंडा खेल पुरस्कार। झारखंड सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है बिरसा मुंडा खेल पुरस्कार। आपको बता दें कि यह पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को दिया जाता है प्रतिवर्ष। और प्रतिवर्ष राज्य के 6 ऐसे खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है और पुरस्कार के तहत 51,000 रुपये, शॉल और प्रशस्ति पत्र के साथ खिलाड़ी को सम्मानित किया जाता है प्रतिवर्ष बिरसा मुंडा खेल पुरस्कार से। तीसरा प्रश्न है, झारखंड में खेल महाकुंभ का आयोजन कब किया गया था? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2020 अथवा ऑप्शन डी 2023। दोस्तों झारखंड में खेल महाकुंभ का आयोजन 2018 में किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपको बता दें कि 2018 में खेल महाकुंभ का झारखंड में जो आयोजन किया गया था रांची में, वह इस खेल महाकुंभ का तीसरा संस्करण था और 2018 में इसे आयोजित किया गया था। और यह 2016 से आयोजित किया जा रहा है और 18 से 12 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लोरेंस बार्ला का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए आर्चरी, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी फुटबॉल अथवा ऑप्शन डी हॉकी। झारखंड की प्रसिद्ध एथलीट हैं फ्लोरेंस बार्ला, अतः ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आपको बता दें कि फ्लोरेंस बार्ला 4x400 meters रिले रेस के अलावा दूसरे के रेस में भी वो पार्टिसिपेट करती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इनका जन्म 2001 में हुआ था, गुमला की रहने वाली है, नवाड़ी गांव में रहती है। इनकी छोटी बहन आशा किरण बार्ला भी प्रसिद्ध एथलीट है। प्रश्न नंबर 5 है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद अथवा ऑप्शन डी हजारीबाग। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम दोस्तों झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है। और आपको बता दें कि जो क्रिकेट स्टेडियम जमशेदपुर में है कीनन स्टेडियम, इसके अलावा JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा जो आर्चरी सेंटर है जमशेदपुर, ये तीनों ही आस पास है, बिल्कुल नज़दीक है, 10 कदमों की दूरी पे ये चारों ही स्टेडियम स्थित है। अतः मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जमशेदपुर में ही स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, आशु भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी दुमका अथवा ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। दोस्तों आशु भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। आपको बता दें कि आशु भाटिया एथलेटिक्स स्टेडियम बोकारो में जो स्थित है, इसके डायरेक्टर हैं आशु भाटिया।
आशु भाटिया की इस एथलेटिक्स एकेडमी में फ्लोरेंस बारला एथलीट रही हैं। इसके अलावा फ्लोरेंस बारला की छोटी बहन आशा किरण बारला, ये दोनों ही आशु भाटिया एथलेटिक्स एकेडमी की कैडेट्स हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, 36th नेशनल गेम्स 2022 में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक हासिल किए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 अथवा ऑप्शन डी 17। झारखंड 36वें नेशनल गेम्स में जो 2022 में आयोजित किया गया था गुजरात में, इसमें 13 पदक हासिल करने में सफल रहा था, अतः ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था 36वें नेशनल गेम्स का 2022 में गुजरात में, और झारखंड को इस 36वें नेशनल गेम्स में 18वां रैंक हासिल हुआ था और कुल 13 पदक हासिल हुआ था। इसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में झारखंड के किस एनजीओ को स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए नव भारत जागृति केंद्र, ऑप्शन बी युवा, ऑप्शन सी समर्पण अथवा ऑप्शन डी प्रतिज्ञा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी युवा नामक एक एनजीओ है जमशेदपुर, जिसे स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अतः ऑप्शन बी सही उत्तर है। आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड, मोनाको एक कंट्री है जो कि यूरोप में स्थित एक कंट्री है, तो मोनाको के ही स्पोर्टिंग क्लब में खेल की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड झारखंड के एनजीओ युवा को प्रदान किया गया। यह एनजीओ फुटबॉल के जरिए गांव में लड़कियों को जागरूक करता है और उन्हें सशक्त करने का काम करता है, और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 450 लड़कियों को कवर करते हुए एक फुटबॉल प्रोग्राम चलाता है। आपको बता दें कि इस एनजीओ यानी युवा की शुरुआत की गई थी 2009 में, जर्मन मूल के दो व्यक्ति अमेरिकी नागरिक थे, फ्रैंक गॉस्टलर और रोज थॉम्सन गॉस्टलर, ये दोनों मिलकर एनजीओ की शुरुआत की थी युवा 2009 में। प्रश्न नंबर 9 है, प्रकाश राम किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी तीरंदाजी, ऑप्शन सी साइकिलिंग अथवा ऑप्शन डी स्केटिंग। प्रकाश राम दोस्तों एक प्रसिद्ध तीरंदाज रहे हैं, परंतु वर्तमान में वह कोचिंग से जुड़े हैं और वह प्रशिक्षक हैं, और वर्तमान में वह बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी जो कि जोनहा सिल्ली में स्थित है रांची में, वहाँ के प्रशिक्षक हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, अरुणा मिश्रा और मिशेल लकड़ा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी चेस अथवा ऑप्शन डी स्केटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि अरुणा मिश्रा और मिशेल लकड़ा ये दोनों ही बॉक्सिंग की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, और ये अरुणा मिश्रा जमशेदपुर की रहने वाली है और मिशेल लकड़ा ये दोनों ही बॉक्सिंग की प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 है, JSSPS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए झारखंड स्टेट स्केटिंग प्रमोशन सोसाइटी, ऑप्शन बी झारखंड स्कूल स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, ऑप्शन सी झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स स्किल्स प्रमोशन सोसाइटी अथवा ऑप्शन डी झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यानी JSSPS का जो फुल फॉर्म है वह है झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि रांची के खेलगांव में स्थित है JSSPS और यह CCL और झारखंड गवर्नमेंट का एक संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत की गई थी जुलाई 2016 में। अगर इसके उद्देश्य की बात करें, JSSPS के स्थापना के उद्देश्य की बात करें, तो यह चयनित कुछ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच द्वारा प्रशिक्षण एवं विश्व स्तरीय सुरक्षा उपलब्ध कराता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रतिस्पर्धा में
बच्चे खेल सके और झारखंड और देश के लिए पदक प्राप्त कर सके, इसी उद्देश्य से इस संस्था का यानी जेएसएसपीएस की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 12 है, झारखंड के किस खिलाड़ी को ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब दिया गया? ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बी सिल्वानुस डुंगडुंग, ऑप्शन सी माइकल केंडो अथवा ऑप्शन डी असीम तिर्की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जयपाल सिंह मुंडा। आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा एम्स्टर्डम में 1928 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडियन फील्ड हॉकी टीम के वे कप्तान थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉकी टीम में सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉकी टीम में उनके योगदान को मान्यता मिली थी और उन्हें हॉकी में ब्लू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वे भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें ब्लू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अतः उन्हें ऑक्सफोर्ड ब्लू से सम्मानित किया जाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी माना जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, झारखंड के सुब्रतो बनर्जी किस खेल से जुड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं? ऑप्शन ए आर्चरी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी हॉकी अथवा ऑप्शन डी क्रिकेट। सुब्रतो बनर्जी एक प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं और वर्ल्ड कप भी इन्होंने खेला है। आइए इनके बारे में भी हम जानते हैं। जमशेदपुर के रहने वाले हैं सुब्रतो बनर्जी और 1992 वर्ल्ड कप क्रिकेट में इन्होंने हिस्सा लिया था और वह इंडियन क्रिकेट टीम के एक सदस्य थे। वे झारखंड के पूर्व रणजी खिलाड़ी रहे हैं और एक टेस्ट के अलावा 6 वनडे इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। सुब्रतो बनर्जी विदर्भ टीम और साथ ही सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 14 है, अमिताभ चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल संघ से जुड़े थे? ऑप्शन ए झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन, ऑप्शन बी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ऑप्शन सी झारखंड आर्चरी एसोसिएशन अथवा ऑप्शन डी ऑल द अबव। दोस्तों सही उत्तर है अमिताभ चौधरी JSCA यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे। वह पूर्व में IPS थे। इसके अलावा आपको बता दें कि JSCA यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष तो थे ही, इसके अलावा BCCI के वे ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं और इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे हैं अमिताभ चौधरी। आइए देखते हैं आज के 15वें और अंतिम प्रश्न को। झारखंड के एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए MS धोनी, ऑप्शन बी दीपिका कुमारी, ऑप्शन सी निक्की प्रधान अथवा ऑप्शन डी जयपाल सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए MS धोनी झारखंड के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसका पहले का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ही है। 2007 में जब पुरस्कृत किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को, उस समय इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ही था। बाद में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2007-08 के लिए प्रदान किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को और खेलों के उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला भारत का यह सर्वोच्च सम्मान है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है भारत का, इसमें पद्मश्री से वे सम्मानित किए गए हैं जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2009 में और 2018 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।